ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीओ के बीसी डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि सीओ के स्टूडेंट की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर दूर किया जा सकता है। कुछ मांगे पूरी की गई हैं, शेष को आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। स्थायी कैंपस निर्माण का कार्य प्रोसेस में है। देहरा में भूमि मिल गई है तथा धर्मशाला का काम भी प्रोसेस में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस सहित अन्य मांगों को लेकर एबीवीपी ने सीयू के बीसी डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री का घेराव किया। इससे पहले एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीसी कार्यालय के बाहर केंद्र व प्रदेश सरकार सहित सीयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीसी का घेराव कर 5 दिन के भीतर लंबित मांगों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया, अन्यथा एबीवीपी फिर से आंदोलन तेज करेगी। सीयू के बीसी डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि सीयू के स्टूडेंट्स की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर दूर किया जा सकता है। कुछ मांगे पूरी की गई हैं, शेष को आने वाले दिनों में दूर किया जाएगा। स्थायी कैंपस निर्माण का कार्य प्रोसेस में है। देहरा में भूमि मिल गई है तथा धर्मशाला का प्रोसेस है। धर्मशाला में अधिकतर भूमि वन विभाग की है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं कि भारत सरकार से जल्द NOC मिले। DPR बन चुकी है, जैसे ही DPR मंजूर होती है तो निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 350 करोड़ का बजट भी प्रथम चरण के लिए स्वीकृत किया है। धर्मशाला के जत्रांगल में 700 एकड़ के लगभग भूमि मांगी गई है, जिसमें से 80 कनाल जो सरकारी थी वो सीयू के नाम हस्तांतरित हो चुकी है। विद्यार्थी परिषद की या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुछ समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो स्थानीय स्तर पर दूर की जा सकती हैं। जैसे उन्होंने स्वयं माना है कि कुछ दूर हो गई हैं, कुछ आने वाले कुछ दिनों में उनकी सब जो मांगे हम पूरी कर देंगे, जो छोटी मोटी स्थानीय प्रशासन को लेकर या उस प्रकार की। और दूसरा उनका मुख्य कारण मांग जो है कि भाई आप इतने साल हो गए यूनिवर्सिटी का स्थायी कैंपस हो या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनना शुरू हो, वो प्रोसेस में है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देहरा में ज़मीन हमें मिल गई है और धर्मशाला का जो है वो प्रोसेस में चला हुआ है। और भारत सरकार से NOC के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड जो है, क्योंकि ज़्यादा धर्मशाला में जो ज़मीन है वो मोटे तौर पर फॉरेस्ट लैंड ही है, जो सरकार की अपनी ज़मीन थी 80 एकड़ के लगभग, वो उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दी है। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन तो तभी शुरू होगी जब पूरी DPR बनेगी। तो DPR बन चुकी है और जैसे ही जो हमें लैंड ट्रांसफ़र होती है तो हम उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। कुछ बजट भी हमें मंजूर हो चुका है, तो हम आज मुझे आशा है कि जल्दी ही ट्रांसफ़र होगी और NOC हमें मिल जाएगा। हमने लगभग 700 एकड़ के आसपास ज़मीन प्रपोज की हुई है, उसमें 80 एकड़ हिमाचल सरकार की अपनी है, जिसका मैंने कहा हमारे नाम ट्रांसफ़र हो गई है। बाकी जंगलात विभाग की है, जिसका केस NOC के लिए गया हुआ है। एकड़ का जो हिसाब है, हेक्टर ढाई एकड़ का एक हेक्टर बनता है, समझ लगी ना जी। जहाँ लोअर हिमाचल में हेक्टर और एकड़ चलता है, वहाँ बीघा चलता है पर हिमाचल में, इसलिए मुझे जहाँ एकड़ के हिसाब से ढाई एकड़ में आप उसमें कैलकुलेट कर लो, ढाई एकड़ में एक हेक्टर होता है। तो लगभग 700 एकड़ के आसपास ज़मीन है जो हमें प्रपोज है। नहीं, निर्माण के लिए बजट देना सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना होता है। अभी उन्होंने हमें 350 करोड़ इन प्रिंसिपल स्वीकार किया है फर्स्ट फेज के लिए, क्योंकि निर्माण भी भाई एक साथ ही निर्माण नहीं होता, उसके अलग अलग फेजेस हैं, फेज पहली, फेज दूसरी, फेज तीसरी। तो फर्स्ट फेज के लिए लगभग 350 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके लिए स्वीकृत किया है।